कैथल एक निजी अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अब इसके चलते अस्पताल में अफरा तफरी का आलम भी हो गया। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। इन लोगों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सब के सब अपने किसी चले जाने का मातम मनाने में डूबे हैं। दरअसल गांव फर्श माजरा के रहने वाले अजीत सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के चलते कैथल स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्टंट बदलने की कवायद करते हुए 64 साल के बुजुर्ग अजीत सिंह का इलाज शुरू किया। लेकिन अफसोस, इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके इलाज में कोताही बरतने और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते अपने घर के सदस्य की मौत हो जाने की बात कहते हुए उनके परिजनों ने अस्पताल में ही हंगामा कर दिया। तो कहने लगे कि उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए तो कहते हैं कि इसकी एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। तो हमने कहा एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी तो करा लो। उन्होंने एंजियोग्राफी की और फिर कहा कि इसके ब्लॉकेज है, स्टंट डलेगा। तो स्टंट के बिना इनका और कोई चारा नहीं, स्टंट तो डलवाना ही पड़ेगा। तो स्टंट के लिए उन्होंने उनके लड़के से साइन करवा लिए। तो उनके बाद डॉक्टर दीक्षित गर्ग हैं कोई, उन्होंने इनका ये शुरू किया और उसी के स्टंट डालने के दौरान ही पता नहीं उनसे क्या गलती हुई है, क्या हुआ है, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, बेड से वहां से बाहर आ ही नहीं पाए, वहीं खत्म। वहीं हंगामे की सूचना पा पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने मृतक अजीत सिंह की लाश को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भिजवा अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। हमारे पास डॉक्टर का फोन आ रहा है कि कुछ परिजन हैं, उनके एक दाह संस्कार वो आदमी गुजर गया और उस पर वो हंगामा कर रहे हैं। जिस सूचना पर हम आए थे अभी ये कह रहे हैं कि हमारा आदमी मार दिया गया है या डॉक्टर की लापरवाही से मरा है। ये कंप्लेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम करवा के जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। यकीनन अगर इलाज में कोताही बरती गई है तो ऐसे डॉक्टरों पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खबरें अभी तक के लिए कैथल से राकेश कथूरिया की रिपोर्ट।